हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम जेके प्रसाद। वेलकम टू एम कैसे ऑन। ये आइए आप लोगों के लिए विशेष रूप से सीरियस बैच के लिए या सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए एम कैसे ने कुछ मॉडल पेपर लाया है, और इस मॉडल पेपर में आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार इसमें कुछ क्वेश्चन को देने का प्रयास किया गया है जो आपके स्टैंडर्ड का बिल्कुल है। आइए हम इसको वाच करें, देखें, समझें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत एंड बिहार। यानी चैत एंड बिहार में अंतर आपको बताना है। बिहार इज अ वर्शिपिंग प्लेस, वेयर एज चैत इज द लिविंग अबोड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन। यानी पूजा, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सेकेंड ऑप्शन है, चैत इज अ वर्शिपिंग प्लेस वेयर एज बिहार इज अ लिविंग अबोड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन। चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, और बोथ बिहार एंड चैत कैन बी यूज फॉर ए लिविंग प्लेस। यानी बैथ बिहार और चैत दोनों को निवास स्थान के रूप में प्रयोग ये हो सकते थे या हो सकते हैं। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वह आपका होगा ये बी, यानी चैत पूजा स्थल होता है जबकि निवास ये बिहार निवास स्थान होता है, जहाँ पर बौद्ध बुद्धिस्ट ये मौन का आपको निवास करते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीरियस, सीएपीएफ, एफकैट, MNS, Air Force X and Y, Navy SSR and Artificial Apprentice, Indian Coast Guard और Army Soldier जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस, बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं, आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं, टॉप काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट विच वेयर यूज इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस। या जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी थे, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला जिनका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों एवं सिक्कों में किया गया था। स्टेटमेंट सेकेंड, जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट मेंशन अ किंग रेफर टू अ प्रियदर्शी मीनिंग ये प्लीजेंट टू बिहोल्ड। जेम्स प्रिंसेप ने पाया कि अधिकतर पांडुलिपियों में एक राजा का उल्लेख किया गया था जिसे प्रियदर्शी कहा गया था, जिसका अर्थ है देखने में रमणीय। तो इसमें वही आपका दोनों में, यानी बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट सेकेंड। बी में है कि दोनों यानी बेस्टर सत्य हैं, किंतु सेकेंड कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, और फोर्थ डी में स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो इसमें अगर देखें तो रियल बात यह है कि जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसने अशोक के रॉक यानी पिलर एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट आपको मेरठ, सॉरी दिल्ली
ये आपको दिल्ली में स्थित जो आपको लाया गया था अम्बाला से उसको पढ़ा था। और इस तरह से हम देखें कि फर्स्ट व्यक्ति था जिसने ये आपको इसको पढ़ा था। दूसरी बात कि इसमें यह भी बात थी कि चूंकि अशोक का अभिलेख था इसलिए ज़्यादातर बातें उसमें किससे प्रियदर्शी से संबंधित थी। तो दोनों अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसका एक तरह से कहा जाए कि यह एक्सप्लेनेशन करता है ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। तो बी इज ट्रू आंसर। इक्ता इज मिडिवल इंडिया मीन, मध्यकालीन भारत में इक्ता का क्या अर्थ था। लैंड असाइंड टू रिलीजियस पर्सनल फॉर स्पिरिचुअल पर्पजेज, आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए धार्मिक कार्मिकों को सौंपी गई भूमि। सेकेंड, लैंड रिवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट असाइंड टू आर्मी ऑफिसर, सैन्य अधिकारियों को समनुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व, और चैरिटी फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए। द राइट्स ऑफ द जमींदार, जमींदार के अधिकार। इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने जो उसके विशेष रूप से सैन्य अधिकारी थे, इन लोगों को यानी कह सकते हैं कि लैंड रिवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर, ये अपने सैन्य ऑफिसर के लिए ये जो असाइन किया था टेरिटोरी, इसी को इक्ता कहा जाता था, और इसी से बना इक्तादारी सिस्टम। यानी इक्ता सिस्टम को लॉन्च करने वाला व्यक्ति कौन था, ये इल्तुतमिश। इसलिए ये आपका आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। द थाउजेंड्स पिलर टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय, हजार स्तंभों वाला मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर गेंड मैक्सिमम एक्सपेंशन, विजयनगर यानी कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। द प्रेजेंट नेम ऑफ विजयनगर इज हम्पी, विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। तो इसमें दिखना है कि कौन सा ट्रू है, 1 2 3, 1 2, 2 3 एंड 1 3। तो इसमें देखा जाए तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। रियल में विजयनगर साम्राज्य का सबसे ग्रेटेस्ट किंग जो था वह कृष्णदेव राय था, और उसी ने हजार स्तंभों वाला ये मंदिर का निर्माण हम्पी में निर्माण करवाया था, और सर्वाधिक मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इसी के काल में हुआ था, और इस विजयनगर का वर्तमान में जो नाम है हम्पी है। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। द चिश्ती सूफी डेवलप्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड विलायत इन इंडिया विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग, भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से एक था। द ए बोर्ड ऑफ सूफी यानी सूफियों का आवास, अ स्पिरिचुअल रीजन फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। ये आपको खानकाह डिसिप्लिन, खानकाह अनुशासन, और द लास्ट रेस्टिंग प्लेस ऑफ सूफी, सूफियों का अंतिम विश्राम स्थान। ये विलायत जो होता था वह आपको राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र होता था। चूंकि सूफी संत की ये अपनी एक विशेषता रही थी कि ये लोग कभी भी अपने आप को स्टेट से कनेक्ट नहीं कर गए, यानी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अपने आप को सेपरेट करके रहे, और जिसके कारण आप जानते होंगे कि निजामुद्दीन औलिया का रिलेशन बिल्कुल ही आपको गयासुद्दीन तुगलक के साथ अच्छा नहीं था, ये मुबारक शाह खिलजी के साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं था। इसका मतलब कि ये लोग बिल्कुल अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में राज के कंट्रोल से बाहर रहते थे, यानी राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को विलायत के नाम से जाना जाता था। विच एम्पायर डिड निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, ये अफनासी निकेतिन एंड फर्नानोज न्यूनीज विजिटेड, निकोलो द कोंटी, अब्दुल रहमान, रज्जाक, अफसानी,
अफनासी निकितिन और फरनाओ नुनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की? ये सब के सब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। तो इसमें एक तरह से हल्का क्वेश्चन है और इसमें कहा आंसर आपका हो जाएगा, जिसे दिया हुआ है द एम्पायर ऑफ कन्नौज, विजयनगर एम्पायर, होयसल एम्पायर एंड राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजयनगर एम्पायर। इन द कंटेस्ट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर व्हाट डज प्यूटरा ड्यूरा मीन्स? मुगल स्थापक कला के संदर्भ में पेटरा ड्यूरा का अर्थ है फर्स्ट डेकोरेशन मेड अप ऑर्नामेंट्स ऑन मार्बल स्टोन, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। दूसरा ड्राइंग मेड ऑन मार्बल संगमरमर पर की गई चित्रकारी। थर्ड आर्ट ऑफ गार्डन कंस्ट्रक्शन उद्यान निर्माण की कला और नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें आप देखो पेटरा ड्यूरा एक रियल में आईसीआरटी टीचर थी जिसमें मार्बल पर ऑर्नामेंट्स के आपको स्टोन यानी आपको ये ऑर्नामेंट्स की जड़ावट होती थी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसी का ये डेकोरेशन किया जाता था, इसी को पेटरा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है। और नूरजहां ने अपने पिता ये गयास बेग की हम बात करें तो उसका बनवाया था आगरा में टॉम, उसी में इसका प्रयोग शुरुआती दौर में किया गया था। विच वन ऑफ द वन एमोंग द फॉलोइंग कांट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहां रेन? निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राजकाल को नहीं दिया जा सकता? मोती मस्जिद, किला या कुहना मस्जिद, जामा मस्जिद एंड रंग महल। शाहजहां ने बहुत सारे मोनूमेंट्स का निर्माण करवाया और इसमें मोती मस्जिद, ये आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। वैसे मोती मस्जिद रेड फोर्ट में भी है लेकिन औरंगजेब ने उसका निर्माण करवाया था। ये आपको जामा मस्जिद दिल्ली में है ही, ये दिल्ली की जामा मस्जिद बिल्कुल रेड फोर्ट के सामने, और रंग महल भी आपको रेड फोर्ट में ही है। तो ये सब के सब निर्माण करवाया था शाहजहां ने। लेकिन किला ये कोहना जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की थी शेरशाह सूरी ने, तो पुरानी दिल्ली को ऑक्युपाइड कर लिया था और उसी की याद में उसने किला ये कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ इंग्लिश इनटू बंगाल इज आर करेक्ट? अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? हैं जब चारनाक अराइव्ड इन सुतानती इन अगस्त 1690 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता विच लेटर बिकेम द हार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इंडियन एम्पायर। जब चारनाक अगस्त 1619 में सुतानती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। सेकेंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट ए फोर्ट नियर द फोर्ट विलियम इन कोलकाता। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बिल्कुल गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर तलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट
काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स। ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठियो, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। ईवी रामास्वामी वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ईवी रामास्वामी नायकर किससे संबद्ध थे? विथ रिफॉर्म इन ब्राह्मणिज्म फिलॉसफी, ब्राह्मणवाद के सुधार से, विथ ये स्वाभिमान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्वाभिमान आंदोलन से, विथ लोअर कास्ट मूवमेंट निम्न जातीय आंदोलन से, विथ कम्युनिस्ट मूवमेंट साम्यवादी आंदोलन से। ई रामास्वामी पहले गांधी के समर्थक भी रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने 1925 में सेल्फ मूवमेंट रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया और यह एक लोअर कास्ट मूवमेंट थी। तो दोनों आपका सही है, ये 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेस्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द रिवोल्ट बिगन इन मेरठ कैंट ऑन 10th मई 1857। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट द ब्रिटिश हैड अनाउंस अ रिवार्ड ऑफ ₹50,000 ऑन द अरेस्ट ऑफ रिवेल लीडर मौलाना मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह के समय विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने ₹50,000 का इनाम रखा था। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन डिजराइली कॉल्ड दिस रिवोल्ट अ नेशनल रिवोल्ट। ब्रिटिश सांसद डिजराइली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 and 3। सी इज करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिला करके सही ये उत्तर का चयन करना है। तो इसमें बारदोली सत्याग्रह, दूसरा तेवागा मोमेंट, सत्यशोधक समाज और उलगुलान मोमेंट। तो देखो बारदोली समाज से रिलेटेड, सत्याग्रह से रिलेटेड काली पराजता, तिभागा से ये बरकदार होते थे इसमें मंगाया गया। सत्यशोधक समाज कुनबी कृषक से रिलेटेड था जिसको ज्योतिबा फूले ने चलाया था। उल खान यानी मुंडा विद्रोह जिसे ये आपको बिरसा मुंडा ने चलाया था। तो आपका फर्स्ट का हो जाएगा बी, फर्स्ट का बी यानी दूसरा, तेभागा का 1, सत्यशोधक का 4 और फिर उलगुलान का 3। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर। 13, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। वहीं आपको दिखाना है और इसमें है कि आपको एडिटर दिया हुआ है लिस्ट फर्स्ट में और उससे रिलेटेड जनरल दिया हुआ है, न्यूज़पेपर दिया है कि इससे डांगे ने किसको आपको एडिट किया, यानी एडिटर किसके थे, मुजफ्फर अहमद किसके थे, गुलाम हुसैन किसके थे और एम सिंगारवेलु किसके थे। तो इसमें आप देखो ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट निकाला था, क्या पेपर था द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद बंगाल से ये नवयुग निकालते थे, गुलाम हुसैन पंजाब से ये इनकलाब निकालते थे और एम सिंगारवेलु मद्रास से ये लेबर किसान गजट उन्होंने निकाला। तो
ऐसे डांगे वन का फोर, वन का फोर, बी का नवयुग यानी बी का आपका थर्ड, बी का थर्ड गुलाम हुसैन इनकलाब, थर्ड का सी का टू और फर्स्ट का वन। तो ये इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, ये अरविंद घोष वाज एन इम्पॉर्टेंट बंगाली रिवोल्यूशनरी हु लेटर ऑन बिकम एन एसेटिक। अरविंद घोष प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए, बिल्कुल सही है। इट वाज इज व्यू दैट पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ एंड विटेलिटी। इनका यह विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राणवायु है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन आपको इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत का जनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड स्वामी विवेकानंद एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक जनक सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, यह भी सही है। विनोबा भावे वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही टू लॉन्च द पर्सनल सत्याग्रह, यह भी सही है। यानी ये घटना अगर आप देखो तो ये 1932 में हरिजनों को एक तरह से सेपरेट कौम मान लिया गया, कम्युनिटी मान लिया हिंदू से, और उन लोगों को ये लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों में ये आपको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था कर दी गई। फिर आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरह की ये आपका प्रोविजन किया गया, और एक तरह से हिंदुओं से अलग करके हरिजनों को ये व्यवस्था बनाई गई। और चूंकि यह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहे थे, इसलिए इसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से, कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड स्वामी विवेकानंद एज स्पिरिचुअल फादर ऑफ ये इंडियन नेशनलिज्म, तो यह भी सही, यह भी सही। और थर्ड, विनोबा भावे वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रह टू लॉन्च द पर्सनल सत्याग्रह। 1914 में जब महात्मा गांधी ने पर्सनल सत्याग्रह की शुरुआत की, तो उसके लिए फर्स्ट सत्याग्रही को विनोबा भावे, जो पौनार आश्रम पुणे में रहते थे, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी सी इज करेक्ट आंसर। द गदर पार्टी फॉर्मड इन द USA वाज डिटरमाइंड टू स्टार्ट अ रिवोल्ट इन इंडिया। Which among the following provinces did the party choose to begin its armed revolt? USA में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना? पंजाब, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार। ये पंजाब इज करेक्ट आंसर। पंजाब के में इस तरह के रिवोल्ट करने के लिए इन्होंने चूज किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। यह 1885 में बम्बई में हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड द सेशन ड्यू टू द सिमुल्टेनियस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। बिल्कुल सही, दोनों आपका, यह भी आपका करेक्ट आंसर। और यह भी आपको 1885 में ही कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेशन चल रहा था, और उस सेशन में अध्यक्ष चुने गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसके कारण वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में को अटेंड नहीं कर सके। तो आंसर आपका बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। बिटवीन द 15 अगस्त 1947 व्हेन इंडिया बिकेम फ्री एंड द 26 जनवरी 1950 व्हेन ही डिक्लेयर्ड
हरसेल्फ या सी डिक्लेयर हरसेल्फ आ डेमोक्रेटिक सवरेन रिपब्लिक इट डिक्लेयर इट्सेल्फ आ डेमोक्रेटिक सवरेन रिपब्लिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? ये तो सिंपल प्रश्न है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द इंडियन यानी ऑर्डर 1947, नन ऑफ द एबव, ये इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द बुक एंड नेम ऑफ द अदर अथर, ये पुस्तक का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया और इसमें से चूज करना है कि कौन सही है। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन वाज रिटन बाय थॉमस पेन, अमेरिका के अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थे और वहाँ के प्रमुख, ये एक विद्वान व्यक्ति थे। मदर, ये तो मैक्सिम गोर्की की रचना है। अन्ना कोरोलिना यानी कारोलिना, ये लियो टॉलस्टॉय की रचना है। और दास कैपिटल वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। तो वन का ए का फोर्थ ये की ऑप्शन है, बी का थर्ड, अन्ना यानी सी का टू एंड डी का वन, तो बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not matched correctly? यानी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय शेक्सपियर, इट इज करेक्ट। थॉमस मोर इटोपिया, इट इज करेक्ट। इरास्मस द प्रेज ऑफ फॉली, यह भी सही है। मैकियावेली बाइबिल, नो, डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज मैकियावेली रिटेन अ बुक रोट अ बुक नेम द प्रिंस, तो आपकी डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपके लिए जो कुछ दिया गया इसके लिए थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।